फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एक पार्टी से वो टिकट भी मांग रही है। जया प्रदा की मांग पर पार्टी टिकट देगी या नहीं, हम आपको बताते हैं। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी नेता जया प्रदा गुरुवार को मुरादाबाद की MP MLA कोर्ट में पेश हुई। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर भी बात की और बीजेपी के सामने अपनी इच्छा जताई। फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व सांसद जया प्रदा अभद्र टिप्पणी मामले में गुरुवार को मुरादाबाद की MP MLA कोर्ट में पेश हुई, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सामने बड़ी मांग रख दी है। जया प्रदा ने कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल जया प्रदा गुरुवार को अभद्र टिप्पणी के मामले में मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई। वो पिछले काफी समय से गैर हाजिर चल रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। जया प्रदा ने कोर्ट में हाजिर होकर अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट रिकॉल कराए और कोर्ट को मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए बताया कि वो बीमार थी, इसलिए कोर्ट नहीं आ सकी। अदालत से बाहर आने के बाद जया प्रदा ने मीडिया से भी बात की। जब उनसे चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मेरी इच्छा के अनुसार पार्टी हमारा नाम घोषित करे ऐसा तो नहीं है, लेकिन शीर्ष नेता जो समझते हैं कि मैं यहां से चुनाव लड़ने में सक्षम हूं, तो मुझे इशारा दे, मैं वहां चुनाव लड़ने को तैयार हूं। जया प्रदा ने कहा कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूं और उसी रूप से मैं सेविका के तौर पर भी काम करने को तैयार हूं। पार्टी जहां मुझे लड़ाएगी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। जया प्रदा ने इस दौरान सपा सांसद SG हसन पर भी जोरदार हमला किया और कहा, मुझ पर की गई अभद्र टिप्पणी उनकी छोटी मानसिकता को दिखाती है, मैं देश की अन्य महिलाओं के सम्मान के लिए संघर्ष करती रहूंगी। दरअसल ये मामला साल 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मुरादाबाद से मुस्लिम डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान सपा सांसद ने जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत कई नेता मौजूद थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस UP।